हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस सीडी में हम देखेंगे आपके क्रश आज रात आपके लिए क्या कुछ सोचेंगे, ठीक है। क्रश वो होते हैं जिनको आप बहुत लाइक करते हो लेकिन अभी तक आपका रिश्ता उनके साथ स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। आप दिल से चाहते हो इस रिश्ते को स्टार्ट करना लेकिन हो नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें और शफलिंग को भी देखें और जो रिजल्ट होता उसे रखें, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जीज है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत महीनों से सालों से इंतज़ार कर रहे हो और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको जो है पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराने स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं आज रात की फीलिंग्स आपके क्रश की आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द मास्टर, द सोर्स, द रिबेल, एग्जॉशन, द फूल। वेरी नाइस। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली साइंस से एरिज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑर्डिनरीनेस। तो आपके क्रश तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये मतलब इस तरह से कि आपके लिए अगर फीलिंग्स की बात करूँ ना, ये आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट तो करना चाहते लेकिन खुद होके एक्शन नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा ईगो में बैठे हुए हैं और इनको इस तरह से अकड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब ग्राउंडेड है, दुनिया को दिखा रहे कि मैं ग्राउंडेड हूँ लेकिन दिल ही दिल में अपने आप को जो है बहुत कुछ समझ रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे, दिल से रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कि आपको दिखाएंगे नहीं। इनका बहुत दिल करेगा बात करने का लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये सोचेंगे कि मैं क्यों लूँ एक्शन। अगर आपने पहले एफर्ट्स भी डाले हैं ना, फिर भी खुद होकर आगे नहीं आना चाहते। हालांकि आपको सोच सोच के इनके हालत बहुत मुझे ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है। एग्जॉशन का कार्ड है यहाँ पे, इनको बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि मैं तो बीमार हो गया हूँ। इनको ऐसा इसीलिए लगेगा क्योंकि ना आपके ना एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है। और आपकी तरफ से जो एक्शन नहीं जा रहा है ना, इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस खोया हुआ, एकदम जैसे कि बीमार, बॉडी में कुछ भी ताकत नहीं, पॉजिटिविटी नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और रात को तो बहुत ज़्यादा अकेलापन, सैडनेस से मुझे घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। शायद दिन भर ना इन्होंने किसी से अपने दोस्तों से बातें करी आपको लेके, कुछ भी हो सकता है लेकिन ये बिना सोचे समझे आपके पास आना चाहते हैं। और इनको ये फील भी हो रहा है कि अगर ये इस रास्ते पर जाएंगे, मतलब ये जो भी सोच रहे वैसा करके अगर आपके पास आएंगे ना, तो ये रिश्ता इनका स्टार्ट हो जाएगा। इनको अच्छे से पता है और इसी बारे में सोच रहे हैं, मतलब ईगो में है, एक्शन नहीं ले रहे। आज रात तो आपको इनका कोई एक्शन नहीं आएगा, ये एक्शन लेने के बारे में सोच जरूर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हैं ये जो है अपनी कंडीशंस के ऊपर इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पास आना, देखो आप यहाँ पर इधर रिबेल को क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने, मतलब देखो इनके अंदर जो कितना कूट कूट के ईगो भरा है। ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है, अपने लाइफ में कंप्लीट है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अच्छी जॉब, बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर्स ऐसा कुछ हो सकते हैं, मतलब हाई पोजीशन पे, ठीक है। इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इनको ना दूसरे के ऊपर जो है ये मतलब दूसरों को अपने अंडर रखना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसलिए ना आपके लिए इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद और आपके बिना इतना टेंशन में होने के बावजूद ये जो है आप ही की तरफ से एफर्ट्स की उम्मीद करेंगे, आपके सामने झुकना नहीं चाहेंगे, इसी तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, अगर ये अनमैरिड पर्सन है ना, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं लेकिन कंडीशंस मेरी जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही होगा, अगर ऐसा मानती है तो ठीक। और ये तभी होगा जब ये जो है अपने आप यहाँ पे बैठे रहेंगे और आप खुद होके इनके पास जाओगे, ठीक है। इस तरह से इसीलिए ना आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। ये डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं अगर ये अनमैरिड है तो, लेकिन अगर ये मैरिड है तो इनकी घर के इनके ऊपर ना घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और जो कि इन जिम्मेदारियों के तले इतने दबे हुए हैं ना, इन जिम्मेदारियों को उठा के ना ये फेंक देना चाहते हैं क्योंकि यही जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते ये इस तरह से थक चुके हैं और इस तरह से बीमार हो चुके हैं। बहुत दिल से इनको लग रहा है कि अब बहुत मैंने दूसरों के लिए कर लिया,
अब मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन इनको देख के आपको ये लगता नहीं होगा, अगर आप इनको सोशल मीडिया पे देखते हो या फिर रियल में भी देखते हो, आपको इनको देख के यही लगता होगा, देख कितना मतलब इसको कितना गुरूर है, कितना मतलब स्ट्रांग दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इसको तो कोई तकलीफ नहीं है, अपने लाइफ में तो बहुत एंजॉयमेंट चल रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे ही है, ये दुनिया के सामने अपना असली चेहरा कभी भी नहीं आने देना चाहते, और हमेशा लोग मेरे लिए अच्छा ही बोले, और जो कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ कंप्लीट है ऐसा लोगों को लगे। ये इसी तरह से लोगों को दिखाते हैं और लोग इनको इसी तरह से देख पाते हैं। ये इस तरह से झुका हुआ पर्सन, इस तरह से बीमार पर्सन, ये लोगों को दिखाना ही नहीं चाहते, ठीक है। इसीलिए जो है इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद एक्शन आप ही से उम्मीद करेंगे कि एक्शन आए, और अगर आता है ना तो फिर वो स्वीकार भी कर लेंगे, इस तरह से है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद होकर एक्शन नहीं लेते हो ना, ये मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन झुकेंगे नहीं इस तरह से, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो शायद इनको ऐसा होगा, हो जाएगा कि फिर शायद आप ही इनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, और इनको जो है अब इस रिलेशनशिप से जो है मतलब टाटा बाय बाय करके निकलने की ज़रूरत है, जो कि वो दिल से नहीं निकलेंगे, ठीक है। इनका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और देखो बहुत आपसे ना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। ये मैंने जैसे कि बोला ये ना आपको अपने कंडीशंस के ऊपर ही इस रिश्ते में आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, ठीक है। माइंड गेम खेलना चाहते हैं आपसे, जो कि इस तरह से आपको हराना भी चाहते हैं, ठीक है। इस वक्त आज रात ये फील ऐसा करेंगे कि ये खुद हार चुके हैं, और आप जो है अब इनको नोटिस कर रहे हो, और आप जो है इनके मज़े ले रहे हो, ऐसे फील करेंगे। लेकिन ये करना अपोजिट चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये आपके साथ खेलकर आपको हराना चाहते हैं, ठीक है। अपने ईगो को मेंटेन रख के इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे इनमें फ्यूचर में, तो जो है इनको लगता है कि शायद इनको ये भी लगेगा कि ना इन्होंने शायद ना आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, शायद इसलिए आप जो है इनके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, इसलिए कन्फ्यूज है। अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो क्यों नहीं डाल रहे हो, और ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। इनको ना आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन, या आपको मतलब ये इस तरह से सोचते हैं कि पता नहीं मुझे इसको इसका ना इतना अट्रैक्शन क्यों होता है, मैं नहीं चाहता कि इसके सामने झुकना, इसके क्या मैं किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इस तरह से कर रहा है कि ना मुझे एक बार इसके सामने झुकना चाहिए, ऐसा ना इनको दिल बार बार बोलेगा, ठीक है। लेकिन ये दिल की आवाज़ नहीं सुनेंगे, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। या आपके कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या फिर जो कि पहले आपकी दोस्ती हुई होगी, बाद में जो है आपका दोस्ती जो है फ्रेंडशिप में, पहले आपकी दोस्ती हुई होगी, बाद में आपकी दोस्ती जो है प्यार में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है। और आपका ये जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये इसी तरह से सोचेंगे रात को, और इन शॉर्ट में बोलूँ ना तो ये सोचेंगे कि मैं झुकूंगा नहीं, झुकना तुझे है, अगर तू झुकती है तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगा, इस तरह से इन शॉर्ट में रात को आज सोचने वाले हैं आपको लेके, ठीक है। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं क्या एंजल्स आपको बता रहे हैं। गाइड करें यूनिवर्स, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। इनके पार्टनर तो बिल्कुल भी इनके सामने झुकने के लिए रेडी नहीं है, इनके जो भी क्रश हैं इनके सामने झुकना ही नहीं चाहते, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, हमें ड्रू मैसेज दें। तो देखते हैं क्या करना है आपको। आस्क यूअर एंजल्स, एंजल्स से पूछिए, एंजल्स को सवाल पूछना होता है, उसके आंसर्स में आपको जवाब मांगना होता है। आपको एंजल्स को सवाल पूछना होता है, और किसी साइंस के रूप में आपको जवाब मांगना होता है, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी मतलब जैसे कि मेरे पार्टनर का एक्शन अगर मुझे आने वाला हो, तो मुझे कोई बटरफ्लाई दिख जाए, या फिर मुझे कोई पिजन दिख जाए, या फिर मुझे कोई फिदर दिख जाए, ऐसे आपको कुछ बोलना होता है उस टाइम पीरियड में। जैसे कि अगर रात को बोलते हो तो मॉर्निंग में दिख जाए, मॉर्निंग में बोलते हो तो रात तक दिख जाए, या फिर दो तीन दिनों में दिख जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा आपको बोलना है। और अगर उस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ आपको दिख जाता है ना, तो डेफिनेटली आपका जो सवाल है उसका आंसर जो हाँ होता है, ठीक है। तो अपने एंजल्स से पूछिए, यस आपका ये रिश्ता फ्यूचर में स्टार्ट ज़रूर होगा, आपको एंजल्स ऐसे बता रहे हैं। और फर्ग्यूनेस, इस रिश्ते में शायद आपके जो भी क्रश है ना, इन्होंने आपके साथ मतलब आपकी इंसल्ट करी, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, जो भी आपके साथ करा है आपको भूलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, आपके क्रश का आपको छोटा मोटा एक्शन तो देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, नो
आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिचुएशन जो है ख़त्म हो चुके हैं, रिश्ता जो है शायद कभी आगे नहीं बढ़ेगा, या आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपको जो है धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। सिचुएशन जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको इस रिलेशनशिप की रियलिटी भी समझ में आने लगेगी, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में रिश्ता स्टार्ट भी होने वाला है। यहाँ पे दिया है कम्युनिकेट क्लियरली, आपको जो भी इस रिश्ते में आपके क्रशेज चाहिए तो ऐसे दिल में मत रखें, इनसे बोले कम्युनिकेट क्लियरली इनको बताएं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, इनकी तरफ से आपको क्या उम्मीदें हैं, ये सब कुछ आपको इनको बताना है, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं इनको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। हो सकता है आपने पहले एक बार ट्राई किया है, लेकिन उस चीज़ को अगर ट्राई करके 2-3-4 महीने हो चुके हैं, और बार ट्राई करने में कर सकते हो आप, तो एक और बार आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यस, यही है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी भी साथ जितनी परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।